हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टेक वर्की के इल्यूमिनेटर का रिव्यू प्लस डेमो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी क्या ये वर्थी प्रोडक्ट है या फिर ऐसा ही है। तो चलो फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परचेज लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, कूपन कोड भी मैंने आपको डाल दिए। राइट नाउ मेरे लिप्स के ऊपर लगी हुई है NYBA की मैट्स मैट लिप क्रियॉन है, शेड नंबर 34। लेट्स बिगिन। ये है स्टे क्वर्की का आई लाइक इट हॉट एंड शाइनी इल्यूमिनेटर है। ये ब्लैक कलर की कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको ये वाला प्रोडक्ट रिसीव होगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स को अगर मैं दिखाऊं तो इसमें मिथाइल पैराबिन एंड प्रोपाइल पैराबिन डाला हुआ है। तो अगर आपको पैराबिन वाले प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, नहीं लेना चाहते, तो आप इसको मत लेना। 2 साल आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। 4 ml इसकी क्वांटिटी दी हुई है। 275 rupees का ये प्रोडक्ट है। फिलहाल इसके ऊपर 35% डिस्काउंट चल रहा है, तो आई गेस आप यार जाके देख लेना इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग, बट इतना मुझे पता 35% इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। टोटल इसमें 8 shades हैं। तो मेरे पास है शेड नंबर 1 गेटिंग वार्मर। पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत मस्त वाली पैकेजिंग इन्होंने रखी हुई है, मुझे बहुत पसंद आई। लाइक पेन की तरह की ये पैकेजिंग है। आई जस्ट लव द पैकेजिंग प्रोडक्ट। अगर आपके 8 shades है ना, तो अगर आपके 2-3 अगर आपने ले लिए तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। आराम से आप नीचे से इसको शेड देख लोगे तो आप चूज कर लोगे प्रोडक्ट। ये भी चीज इन्होंने ट्रांसपेरेंट रख के बहुत अच्छा किया। स्टेक वो की लिखा हुआ है एंड यहाँ पे आपको ना एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सब कुछ आपको मेंशन किया होगा। ये भी बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे शेड नंबर आपको मेंशन किया होगा, ठीक है। शेड नंबर, नेम, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ मेंशन होगी। मेन पार्ट के ऊपर आते हैं, ये प्रोडक्ट कैसा है। आपको ये एप्लीकेटर मिल जाएगा इसके साथ और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको लगाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये 1 swipe में आपको मिल जाएगी इसकी, मतलब जो भी इल्यूमिनेटर, हाईलाइटर, जो भी आप इसको बोलो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इसके हाइलाइटर की, कुछ लोग बोले कि ये हाइलाइटर की तरह ये काम करेगा, तो ये हाइलाइटर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़े से आई डोंट नो फ़ोन नहीं कैप्चर कर पा रहा, ये चंकीनेस है, मतलब फ़ोन नहीं कैप्चर कर पा रहा एक्चुअली। ये चंकीनेस है इसके अंदर, जो हाइलाइटर के अंदर चंकीनेस नहीं होती। हाइलाइटर आर सपोज टू बी नेचुरल लुक आने चाहिए, ग्लो। तो मैं इसको हाइलाइटर की तरह आपको नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने फेस के हाई पॉइंट्स के ऊपर लगा लोगे तो आपका पूरा फेस ना चमकना शुरू हो जाएगा। अगर आप कहीं धूप में चले गए फिर तो यार चमकने लगेगा। रात को भी मैं इसको नहीं आपको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि रात में डेफिनेटली अगर आप कोई शादी पार्टी में जाओगे वहाँ पे भी लाइट्स पड़ेंगी ना, तो ये देखो मोटे मोटे ना आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे। हाइलाइटर अगर आप लगाते हो वो सटल ग्लो आना चाहिए। इसको आप यूज़ कर सकते हो आई शेडो की तरह, ठीक है। आप इसको आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हो। और तो मुझे फेस के और किसी पार्ट पे मुझे ये सही नहीं लग रहा यूज़ करना, नहीं तो फिर ओवर लगता है। अगर आप कम क्वांटिटी भी लोगे ना डियर, तो भी आपको ये वाले पार्टिकल्स नज़र आएंगे फेस के ऊपर। अब मैंने अपने फ़ोन की ना फ्लैश बंद कर दी है, फिर आप देख सकते हो इसको। आई होप आपको नजर आए। जितनी बार मैं हैंड्स हिला रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ना पार्टिकल से आपको नजर आएंगे। ब्लेंडिंग की बात करूँ तो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। उस चीज़ में तो इसमें बिल्कुल फुल मार्क्स है कि देखो चिपचिप नहीं कर रहा, यू नो, मतलब ये नहीं कि आपने लगा लिया तो ये चिपचिप करेगा या ऐसा वैसा कुछ होगा। मतलब अगर आप इसको आई शेडो की तरह यूज़ करोगे ना तो ये क्रीज नहीं करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट डोंट यूज़ एज अ हाईलाइटर की तरह मत यूज़ करना भाई इसको ना, आप उसकी तरह यूज़ करना शुरू कर देना आई शेडो की तरह। मैंने अपना सारा मेकअप कंप्लीट कर लिया है, हाइलाइटर अभी तक मैंने इसको नहीं अप्लाई किया, तो मैं इसी इल्यूमिनेटर के साथ हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। बहुत जल्दी ये ड्राई आउट हो जाता है तो इजिली ब्लेंड नहीं कर पाते हैं फेस के ऊपर। और ये ना थोड़ा सा ग्लिटरी ग्लिटरी लग रहा था मुझे फेस के लिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि नेचुरल सी लुक नहीं लग रही थी, क्योंकि हाइलाइटर मीन्स वो नेचुरली ग्लो लगना चाहिए। तो फेस के लिए आप इसको, अब मैं बाकी जितना मेरा फेस का पार्ट होगा ना मैं अपना हाइलाइटर यूज करूंगी, इसको नहीं अप्लाई करूंगी फेस के ऊपर। तो चलो अब बारी आती है आई लिड के ऊपर इसको लगाने की, क्योंकि ये आई शेडो की तरह बहुत ब्यूटीफुली काम करेगा आई शेडो के लिए। मैंने थोड़ी सी अपनी क्रीज को बिल्डअप कर लिया है, ऑरेंजी ब्राउन सा शेड था। आप किसी भी कलर के साथ जो आप क्रीज अपने बिल्डअप करते हो आप उसके साथ कर लो। अब उसके साथ ऊपर मैं लगाऊंगी ये वाला इल्यूमिनेटर, आप देख सकते हो थोड़ा सा इल्यूमिनेटर ले रही हूं मैं।
अपने पूरी मैंने लिड के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, और इसको फिंगर के साथ मैं ब्लेंड करूंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि ये ड्राई आउट हो जाता है तो आपको जल्दी वर्क करना पड़ेगा। पर ये आईज के ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो। अगर आप टीनएजर्स हो, आई मेकअप करना चाहते हो जल्दी जल्दी फटाफट वाला, अगर किसी शादी में जाना है या फिर वैसे भी इन जनरल में, अगर आपने हैवी मेकअप नहीं करना लेकिन थोड़ा सा शाइन शिमर चाहिए, तो ये वाला आप ट्रिक जरूर अपना लेना, ये आपको बहुत काम आएगा ये वाला प्रोडक्ट उस समय के लिए। एंड उसके बाद थोड़ी सी मैं अपनी क्रीज को फिर से बिल्डअप कर लूंगी, एंड आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल सा आई मेकअप हो गया है। आप इसके साथ आईलाइनर अप्लाई कर लो, हैवी मस्कारा दे लो, या फिर आप अपनी फॉल्सीज लगा लो, तो वो सब कुछ आपके ऊपर है। हाँ, अब मैंने इसको अपने ब्राउ बोन के ऊपर भी अप्लाई किया था, तो कैमरे पे इतना नजर नहीं आ रहा, बट ये इन रियल ना बहुत ग्लिटरी ग्लिटरी लग रहा था, नेचुरल नहीं लग रहा था। तो मैं आपको हाइलाइटर की तरह नहीं रिकमेंड करूंगी, आप इसको आई शेडो की तरह जरूर इसको आप यूज करो, तो ये बहुत। यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई, आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू पसंद आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स फैमिली आप सबके साथ शेयर कर देना। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर आप इसको खरीद रहे हो हाइलाइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मत खरीदना, क्योंकि ये हाइलाइटर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा पैचीनेस आपको नजर आएगी, कैमरे के ऊपर आपको नहीं नजर आएगा, बट इन रियल ये थोड़ा सा पैची सा लग रहा है। यहाँ पे यहीं पे मैंने लगाया और यहां पे मैंने लगाया, ठीक है। ये जो लगाया था मैंने, ये मैंने अपना हाइलाइटर लगा लिया, क्योंकि इतने लगा के ही मुझे पता लग गया कि ये पूरे फेस पे लगाऊंगी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा शाइनी शाइनी लगेगा, और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो इतना ज्यादा ब्लेंड भी हम मतलब कर लेते हैं, बट जल्दी जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो हाँ, आई शेडो में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां के लिए बिल्कुल सही वाला प्रोडक्ट है, फेस के लिए मत अप्लाई करना, थोड़ा सा पैची लगता है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।